हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं आप सबका स्वागत करता हूं वेट फैक्ट्स की एक और इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहता हूं। और दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जियो आपके लिए बेहतरीन तोहफा लेके आया है। जी हाँ, आज के दिन से यानी 15 अगस्त से जियो फाइबर के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले महीने जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अनाउंसमेंट की थी कि वो बहुत ही जल्दी 1100 सिटीज के लिए जियो गीगा फाइबर का जो तोहफा है वो लेके आ रहे हैं और बहुत ही कम रेट्स पे आपको ब्रॉडबैंड मिलने वाला है। और दोस्तों, 15 अगस्त यानी आज से जियो फाइबर के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जियो फाइबर के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जियो फाइबर सबसे पहले मिलने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी सिटी से जितनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन आएंगी उतनी ज्यादा चांसेस होगी आपकी सिटी में जियो फाइबर सबसे पहले पहुंचेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुकेश अंबानी ने अनाउंसमेंट की थी कि 1100 सिटीज को गीगा फाइबर मिलने वाला है, तो इट मींस कि अगर आपकी सिटी के रजिस्ट्रेशन ज्यादा होंगे तो चांसेस हैं कि वो 1100 सिटीज में आपकी सिटी का भी नाम हो। तो दोस्तों, जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन आपकी सिटी से हो सकते हैं वो करवाइए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, आस पड़ोस सबको बोल के रजिस्ट्रेशन करवाइए, सो दैट आपकी सिटी में जियो फाइबर सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको रजिस्टर करने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और दूसरा तरीका है यहाँ पे जियो ऐप के थ्रू। तो अगर आप जियो यूजर हैं तो आप बड़ी आसानी से माई जियो ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि जियो फाइबर क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स कैसे काम करता है, ब्रॉडबैंड जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू आप तक कैसे पहुंचेगा, तो ये सब मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो में पहले आपको करना रजिस्ट्रेशन। तो चलिए मैं आपको दो तरीके दिखा देता हूं रजिस्ट्रेशन करने के। दोस्तों, जो पहला तरीका है जियो फाइबर बुक करने का, उसमें आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल के ऊपर आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक वेब एड्रेस टाइप करना है, gigafiber.jio.com/registration। दोस्तों, ये जो वेब एड्रेस है ये मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, सो दैट आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके मोबाइल फ़ोन के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सको। तो ये करने के बाद आपको करना है एंटर। एंटर करने के बाद दोस्तों ऐसा कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या करेगा कि आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करेगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी इसने लोकेशन ट्रैक की है वो यहाँ पे एंटर कर देगा। तो अगर आपकी लोकेशन एग्जैक्ट आ जाती है तो सही है, वरना आप यहाँ से चेंज बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है कि ये जो एड्रेस है आपका होम एड्रेस है, वर्क एड्रेस है। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल वर्क एड्रेस कर देता हूँ, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम टाइप करना है। फुल नेम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर टाइप करना है। दोस्तों, फोन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको यहाँ पे एग्री करना होगा। एग्री करने के बाद आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी। दोस्तों, ओटीपी ये आपसे इसलिए मांग रहा है सो दैट ये आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सके। तो मेरा ओटीपी रिसीव हो गया है, तो 002564। दोस्तों, मैंने ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दिया है, लेकिन दोस्तों अगर आप जियो ऐप से बुक कर रहे हैं तो आपको ओटीपी एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जियो नंबर से लॉगिन होता है जियो ऐप के अंदर। ओटीपी एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शनल फील्ड है, यू हैव सबमिटेड द डिटेल्स ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो, किसी सोसाइटी में रह रहे हो, तो वहाँ पे आप पूरी बिल्डिंग के बिहाफ पे अगर जियो फाइबर अप्लाई करना चाह रहे हो, या फिर किसी टाउनशिप या कोई डेवलपर के बिहाफ पे करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि इसको सेलेक्ट करना है, तो मैं अभी इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, जैसे ये सबमिट हो जाएगा मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी रिक्वेस्ट जो है वो जियो फाइबर के पास पहुँच जाएगी, राइट दोस्तों। इसके बाद ये यहाँ पे आपसे आपका एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हो, राइट। इसके बाद टाइप ऑफ एड्रेस
कि किस टाइप का है, होम एड्रेस है, वर्क एड्रेस है, पेरेंट्स एड्रेस है, रिलेटिव एड्रेस है। मैं यहाँ पे आपको अपना होम एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ और प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। दोस्तों दूसरा तरीका है कि आप अपने फ़ोन से भी बुक कर सकते हो। तो अगर आप पहले से जियो यूज़र हैं तो आपको करना क्या है, आपको ओपन करना है माई जियो ऐप। माई जियो ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है ये दिख रहा होगा यहाँ पे, जियो गीगा फाइबर। जी हाँ, यही है जिससे आप यहाँ से बुक कर सकते हो। इस पर आप कीजिए क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक अलग से वेब पेज जो है ये ओपन हो जाएगा, जो कि आपकी करंट लोकेशन जो है वो उसको एग्जैक्टली ट्रैक कर लेगा। तो जैसे अभी मेरी इन्होंने लोकेशन ट्रैक कर ली है, वैसे ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट प्लस माइनस ये आपके घर के आसपास की लोकेशंस को ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा। इसके बाद आपको ये बताना है कि जो आपकी लोकेशन है वो होम एड्रेस है या वर्क एड्रेस है। तो आप गीगा फाइबर को अपने वर्क प्लेस पे भी इंस्टॉल करवा सकते हो। तो जैसे ये मेरी होम एड्रेस है तो मैं यहाँ पे होम एड्रेस का बटन चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसको कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे वो दो चीज़ें पूछेगा, एक मेरा फुल नेम और दूसरा मेरा फ़ोन नंबर। तो मेरा फ़ोन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा क्योंकि मैंने माई जियो ऐप ओपन की हुई है और मैंने अपने जियो नंबर से माई जियो ऐप में लॉगिन किया हुआ है। तो मैं अपना फुल नेम यहां पे एंटर कर देता हूं। दोस्तों फुल नेम एंटर करने के बाद यहां पे नीचे आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको यहां पे करनी होगी सेलेक्ट। तो आई एग्री वाला जो बटन है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको करना है सबमिट। दोस्तों सबमिट करने के बाद यहां पे आपके पास एक SMS रिसीव होगा, राइट। SMS रिसीव होने से पहले आपको यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो टाइप कर देना है एग्जैक्ट। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप कर रहा हूँ अभी, एड्रेस टाइप करने के बाद ये आपसे पूछेगा टाइप ऑफ एड्रेस। तो टाइप ऑफ एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा होम एड्रेस है। इसके बाद मैं कर देता हूँ इसको प्रोसीड। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर प्राइमरी एड्रेस एंड अदर डिटेल्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे रजिस्ट्रेशन करने के। तो जल्दी जाइए रजिस्टर कीजिए ताकि आपकी सिटी में सबसे पहले जियो फाइबर पहुंच जाए। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, सो दैट फ्यूचर में भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।